हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगलमय हैं। ये ज़रूरी है कि आप अच्छे रहें और अपने आप को संभाले रखें। मैं आपका मित्र संजीव कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ और कुछ कुछ बातों को एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ कि आपके काम आ जाएंगे और मैं भी दोबारा याद कर सकूँगा उस बातों को। दोस्तों, कुछ बहुत अजीब और गरीब ह्यूमन टेंडेंसी होते हैं, जैसे कि खासकर हम मसीह विचारधारा के अंतर्गत में बातचीत कर रहे हैं। जब हम खुश होते हैं, हम खुशियों का जब हम अनुभव करते हैं तो दिल से कहते हैं, ओ यू आर ग्रेट गॉड, परमेश्वर भला है, परमेश्वर चंगा है, बहुत अद्भुत है, अच्छा, एकदम खुशी से कहते हैं। और खुशी से इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि हम खुश हैं। लेकिन जब चुनौती, चैलेंजेस, दुख, तकलीफ आपके सामने जब आता है, जब आप उसे अनुभव करते हैं, उस समय आप क्यों नहीं बोलते हैं, गॉड यू आर ग्रेट, यू आर ऑसम, आप भला हैं, आप चंगाई करने वाले हैं। दिल से नहीं निकलता है। परमेश्वर दोनों परिस्थितियों में भला है और दोनों में भी वो ग्रेट है और अद्भुत है और भला ही है। इसलिए अपने माइंड को उस प्रकार से ट्रेन कीजिए और कहिए कि परमेश्वर सचमुच में तू महान है, तू भला है। दोनों परिस्थितियों में, आपके सिर्फ सुखों में नहीं बल्कि वो दुखों में भी क्या है, ग्रेट है, भला है और करुणा करता है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा और मैं यही चाहूँगा कि आप इस पे ज़रूर मंथन करें और ऐसे बहुत सारे जो लॉजिकल बातें हैं उसके ऊपर आप चर्चा करें और सोचें कि सही में मैं ऐसा क्यों करता हूँ, या फिर हम अपने आत्मिक जीवन को बैलेंस में क्यों नहीं लेके चलते हैं। तो ये बातें बहुत ही ज़रूरी है सीखना है कि परमेश्वर को हर समय में, हर सिचुएशन में धन्यवाद देना। आपकी सिचुएशन बदलते हैं, आप बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर तो सेम ही रहता है। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू। इन दिनों अपने आप को और मजबूत करें परमेश्वर के निकट आने के लिए। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।